मंदसौर के नूतन स्टेडियम में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट के बीच शनिवार को दर्शक दीर्घा में बैठे युवाओं के दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। क्रिकेट मैच के दौरान स्टेडियम में मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। जानकारी मिली है कि आगे बैठे युवकों की वजह से पीछे बैठे युवकों के बीच तालियां बजाने की बात पर कहासुनी हुई और मारपीट शुरू हो गई। दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई। मामला शहर कोतवाली थाने पहुंचा। पुलिस ने मारपीट का मामला दर्ज किया है। टीआई अमित सोनी ने बताया कि शनिवार रात नूतन स्टेडियम में रहे वात्सल्य प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में बीच क्रिकेट देखने और ताली बजाने की बात पर विवाद हुआ था। इसमें कुछ युवक घायल हुए थे जिसका मेडिकल करवाया गया है। फरियादी कमलपिता प्यारे लाल चंद्रवंशी निवासी अरनिया निजामुद्दीन ने शिकायत दर्ज करवाई कि वह और उसका दोस्त मदन लाल मीणा गांव से नूतन स्टेडियम में क्रिकेट देखने गए थे। मैच में सिक्सर शॉट पर हमने ताली बजाई तो आगे बैठे अहमद और नदीम ने विवाद शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों के अन्य साथी भी टूट पड़े और हमारी पिटाई कर दी। दोनों घायल अवस्था में कटवाली थाने पहुंचे थे। पुलिस ने मामले में मंदसौर से 6 युवाओं के खिलाफ मारपीट सहित SC/ST की धाराओं का प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि मंदसौर निवासी नदीम हुसैन अहमद शेख आदिल साबिर जुनेद मजहर शाह के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। मैच में सटोरियों के एक्टिव होने की कहानी भी शहर के नूतन स्टेडियम में चल रहे वात्सल्य प्रीमियर लीग मैच के दौरान शहर में चर्चाएं यह भी है कि मैच के बीच सटोरिये हावी रहेंगे। इसकी चर्चा सोशल मीडिया पर भी हो रही है। बताया जा रहा है कि हर बॉल पर क्रिकेट सटोरियों द्वारा दांव लगाए जा रहे हैं। बीती रात स्टेडियम में हुए विवाद की कहानी भी बाजार में सट्टे के दांव का विवाद ही बता रही है। हालांकि पुलिस ने इससे इनकार किया है। आपसी मारपीट का मामला ही बताया है।